हे गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल ट्रिकी म्यूजिक एग्जाम में। गाइस, आज हम लोग पार्ट टू पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखे हैं, कल हमने पार्ट वन पढ़ा था, इसमें पांच जो है VBI मैथ के MCQs जो आपके पॉलिटेक्निक, आपके ANM JNM और पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पैरामेडिकल बोल रहा हूँ यानी कि मेट्रिक लेवल, जो एक साल का कोर्स होता है उसके लिए। तो ये हम लोग का 2023 का सेशन चल रहा है और इसमें जो है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन का बेसिक से आपको बताएंगे। कल हमने पांच तक पढ़ा था क्वेश्चन और आज 6 से 10 तक जाएंगे, क्योंकि 10 छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए तो ये पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पे बेस्ड है और इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो हम लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू, यानी क्लास टू बोल सकते हैं। जो जो कैंडिडेट हमारे ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, जल्द से जाके हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसपे एकदम कल का बेसिक से ही थोड़ा सा जाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, ज्यादा फास्ट नहीं जाऊंगा। देख सकते हैं, यदि क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल 6 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या कह रहा है, तो उस व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ होगी। हालांकि इस तरह का कल क्वेश्चन बताया था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर कर रहा हूँ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट इन दैट बिजनेस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, आप देखिए इसको कल बनाए थे कैसे लिखे थे हम लोग। हम लोग बोले थे कि जो 8 वस्तु है, यहाँ पे 8 का जो सीपी दिया हुआ, डायरेक्ट सीपी एसपी का यूज करेंगे और यहाँ पे 6 SP के बराबर है। तो मैंने कल कहा था कि सीपी को इधर लिखिए और एसपी को इधर लाइए, क्रॉस करके आप डिजाइन करके लिख सकते हैं, तो 6 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो ये 4 होता है, इसको अगर काटेंगे, सॉरी, इसको अगर 2 से काटेंगे ये 3 होता है, ये 4 होता है, यानी 3/4 आपका आया। अगर इनका डिफरेंस निकाले तो 1 आता है, यही जो 1 आया ये हमारा प्रॉफिट आया, ठीक है, क्योंकि हम यूनिट मान के बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 1 यूनिट आपका प्रॉफिट आया, आप मानिए। उसके बाद प्रॉफिट का जो आप 10th का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूटिलाइज कर देंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, जैसे प्रॉफिट बटा सीपी गुना जो आप 100 करते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता। तो यही हमको निकालने बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 1 हमारा प्रॉफिट है और सीपी कितना है, 3 है, और गुना 100 करना है ना, कि यही देखिए कितना यूनिट निकला हम लोग का, 1 यूनिट प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट बोले तो लाभ निकला। और सीपी कितना है देख सकते हैं, सीपी है 3 यूनिट। तो इस प्रकार का कल क्वेश्चन बनाया था। आप अगर बोलोगे कैसे किए, तो प्रीवियस ईयर हमने प्रीवियस वाला मतलब वीडियो देख लीजिए, समझ जाइएगा कैसे हम किए थे, ठीक है। तो 3 है 1/3, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, वही 33.33% या फिर 33 1/3%। आइए ऑप्शन को मिलाते हैं, तो देखिए ऑप्शन में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, नॉन ऑफ द अबव, यानी कि नॉन, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन है ही नहीं है, तो हम कैसे लगाए इस नॉन या इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन को लेने के लिए, हम इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है, बात समझिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है, इस मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होगा। क्वेश्चन को अगर नहीं समझे तो फिर से पढ़िए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है वो ही नहीं जान पाए तो क्वेश्चन कैसे बनाना, ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹70, एट व्हाट प्राइस वुड देयर बी ए प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यानी कि हमको सेलिंग प्राइस ही निकालना है, लेकिन किस रेट पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 12% लाभ होता है, तो लाभ जो दिया हुआ है, लाभ लाभ बोल रहा हूँ या प्रॉफिट, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि बोल रहा है कि एसपी का 12.5% आपका दे के रखा है, कौन क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने, विक्रय मूल्य का इतना इतना लाभ है, यानी कि प्रॉफिट जो आपका है वो एसपी का 12.5% है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीपी तो दिया हुआ 70, उसको बाद में देखते हैं कहाँ यूटिलाइज होगा। तो हमको निकालने क्या बोला है, एसपी निकालो, है ना। इसमें देखिए हमारा ये चीज हमारा आ गया, ठीक है, इतना दूर।
आप समझ सकते हैं चीजों को कि हमारा जो है यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट आ गया इतना 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 आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिट का जो है फॉर्मूला होता है, ये आप हमको बताइएगा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है। अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट बराबर हम लिखते हैं कि सीपी, फिर से नीचे लिखते हैं सी। प्रॉफिट जो होता है कब होता है? एसपी माइनस सीपी जब होता है तब। अब हमसे आप थोड़ा सा अच्छा से आप समझे चीजों को। देखिए प्रॉफिट कब होता है, कल मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था इसलिए कल थोड़ा टाइम लगा था, आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कि किसी वस्तु को अगर 20 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 10 रुपये में बेच रहे हैं तो मुझे 10 रुपया का मुनाफा यानी प्रॉफिट हुआ, यानी 10 रुपया मैंने कमाया। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? एसपी, उसके बाद सीपी, उससे घट जाएगा क्योंकि एसपी से अगर सीपी को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसीलिए प्रॉफिट देखिए इस फॉर्मूला से यूटिलाइज करके हम निकाल रहे हैं, एसपी से सीपी को घटा रहे हैं। तो एसपी तो हमारा एसपी दिया हुआ है, उसको हम कुछ माने नहीं है, एसपी को एसपी लेके चले हैं, और सीपी तो क्वेश्चन में दिया हुआ 70 रुपया। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस 70 रुपया हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट की जगह ये डाल सकते हैं कि एसपी इक्वल टू माइनस 70 इक्वल टू, फिर लिखते हैं एसपी और इसको 12.5% को हम निकालते हैं तो कैसे होगा? नीचे परसेंटेज है तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा। अब बस इसको थोड़ा काटना है और कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। इसको अगर हम काटेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा? 5। तो अगर 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए? अब 20 हो जाएगा, है ना। और काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। 5 से काटे तो ये कितना हो जाएगा? 4, यानी 40 हो जा रहा है ना, 40, ठीक है 40 हो जा रहा। अब देखिए इस 40 को इधर लेके गुना करेंगे तो 40 SP, फिर इधर से गुना करेंगे कितना है 40 से, तो 4 7 28, यानी कि 280 इक्वल टू SP हो जा रहा ना, ऐसा हो रहा ना। तो मैं देख लेता हूँ कि गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो गया है कि दिक्कत कर देता है। तो कहीं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, कहाँ हुआ है? कहीं काटने में तो गलत नहीं हो गया है? अरे यार यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पे जो 25 से हम काटे, 25 से काटे तो 5 हुआ, तो यहाँ से 25 से काटेंगे तो 4 होगा ना, ये 20 क्यों लिख दिया भाई? रुको इसको हटाता हूँ मैं, यही गलत है, इसीलिए हमको लग रहा कि कहीं तो मैं मिस्टेक किया हूँ, तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है इसको हटा देता हूँ, ये हट जा, ठीक है हट गया। अब देखो अब आ जाएगा, है ना। देखो क्या है, इसको अगर 25 से काटेंगे तो 25 5 होता है इतना, ठीक है, और 100 को अगर 25 से काटेंगे तो 4 होता है, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया था। तो देखिए 4 हुआ तो यानी 40 बचा, यानी 40, फिर ये 5 से काटेंगे ये 40 को तो 8 बचेगा। तो ये लाइन भी हटा देते हैं, ये लाइन कुछ काम का नहीं है, ये लाइन हटा देते हैं, ये लाइन कुछ काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। चलो तो देखो ये 8 40, यानी कि SP बराबर, फिर एक लाइन लिख देते हैं, SP बराबर 70 इक्वल टू SP बटा 8, ये हमारा वैल्यू बचा है, ठीक है। अब इसको इधर लिख देते हैं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी हम गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 8 SP तो क्या है, और 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 गुना SP, फिर इस SP को उधर लेके जाएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 7 SP इक्वल टू, ठीक है। अब SP बराबर क्या लिखेंगे? अब 7 से जब भागा देंगे तो 8 7 56 होता है, तो यहाँ 80 हो जाएगा, 80 रुपीज। तो ये हमारा 80 रुपया आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन में ए में दिया हुआ है। तो 80 रुपीज इसका आंसर आया था। थोड़ा सा काटने उटने में गलत हो जाएगा तो आप लोग उसको करेक्शन कीजिएगा, जब हम लाइव क्लास लाएंगे तब ये सब पॉसिबल है, इसीलिए लाइव में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ अगर दिक्कत हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप लोग ही कमेंट कर दोगे कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि है ना। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 पुस्तकों का क्रयमूल 29, दोस्तों यहाँ 29 नहीं है 30 होगा, उल्टा लिखा गया है, प्रिंट में मिस्टेक है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल 30 पुस्तकों के विक्रय मूल के बराबर है, 36 पुस्तकों का क्रय मूल 30 पुस्तकों के विक्रय मूल के बराबर है, इस व्यापार में हानि या लाभ हुई? देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे हानि या लाभ आपको पहचानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, पहले जैसे ही है, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। देखिए 36 हमारा क्या है? सीपी, सीपी दिया हुआ कितने बराबर? 30 SP के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये 29 नहीं 30 है, ठीक है, नहीं तो कटेगा नहीं।
यहाँ पे सीपीयू को इधर लाएं और एसपी को अगर इधर लेके जाएं, और इसको हम लिख सकते हैं 30/36 है ना, तो काटेंगे कितना से, 5 से काट रहे हैं तो 6 हो जाएगा, इधर 6 से काट रहे हैं, छोड़िए 6 से काट रहे हैं तो 5 हो जाएगा, और इधर 6 से काट रहे हैं 6 हो जाएगा, यानी कि लिखें इसको कितना हो जाएगा, 5/6। इस प्रकार डिफरेंस एक आ रहा है। तो देखिए एसपी कितना है, 5 यूनिट है, और सीपी कितना यूनिट है, 6 यूनिट, यानी कि लाभ हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसमें लाभ हो रहा, पता चल गया। अब जब लाभ हो रहा है तो इसमें क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत से निकलेगा, तो लाभ निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताएं कि प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100 से कर देंगे, तो प्रॉफिट कितना है, 1 है, और सीपी कितना है, 5 है, और गुना 100, इसको जब काटेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20% आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ऑप्शन सी को लगा देंगे कि 20% लाभ, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा जोरदार क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो दो केस है, एक केस नहीं है, इस क्वेश्चन में दो दो केस का फेरा करके हम आपको क्वेश्चन को घुमा करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा तभी होगा, टाइम लगेगा इस सब क्वेश्चन में, लेकिन हम समझाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर सीख जाएंगे उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, आप तब धड़धड़ा के बनाओगे, ठीक है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो घड़ियां का कुल मिलाकर क्रय मूल्य 3,000 है। दो घड़ियों का मतलब कुल जो सीपी है, मैंने टोटल टोटल हमारा जो सीपी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3,000। चलो ये 3,000 दिया हुआ हमारा टोटल सीपी, ठीक है ना। तो एक घड़ी को 15% लाभ भी बेचता है और दूसरे घड़ी को 10% हानि पे, मतलब इसमें से जो है एक को क्या कर रहा है, 10% क्या बोल रहा है, 15% लाभ में बेच रहा है, ठीक है, और दूसरा को क्या कर रहा है, 10% हानि भी बेच रहा है, यानी कि ये हानि भी बेच रहा है, ये प्लस, ठीक है, प्लस मतलब प्रॉफिट, मतलब समझ लीजिए प्लस कर रहा हूँ प्रॉफिट, और नेगेटिव मतलब जो अपना लॉस, उसको हम इंडिकेट करने के लिए हम लिखते हैं, क्योंकि बार क्वेश्चन को देखिए प्रॉफिट और लॉस, इसीलिए। तो ये हमारा था, ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड दिया हुआ, अभी हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या डेटा है वो हम समझ रहे हैं। तो बोल रहे कि पूरे माल में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, मतलब ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, मतलब जितना में खरीदा आप उतना में बेचा तब ना नहीं होगा हानि लाभ, बोल रहा है 15% लाभ और 10% हानि में दो वस्तु को बेचता है, तो बोल रहा है फिर क्वेश्चन में घुमा देगा कि पूरे सौदे में, पूरे माल में ना तो लाभ होता ना तो हानि, तो ऑब्वियसली 3,000 में टोटल सीपी खरीदा था तो ऑब्वियसली बेचेगा भी 3,000 में, तभी ना कोई लाभ नहीं होगा और कभी हानि नहीं होगा। तो हम एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि टोटल जो सीपी होता है, ये टोटल सीपी बराबर ये टोटल एसपी के बराबर हो जाएगा, टोटल एसपी के बराबर, टोटल एसपी है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन घड़ियों के क्रय मूल्य निकालिए, मतलब ये जो टोटल सीपी है ये नहीं निकालने बोल रहा है, बोल रहा कि CP1 और CP2 कितना है ये निकाल के हमको बताइए। देखिए तो यहाँ पे हमने इतना कुछ लिख के क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन में CP1 और CP2 निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए CP1 और CP2 को जोड़ेंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा 3,000, क्योंकि दो वस्तु है। इस प्रकार अगर SP1 और SP2 को जोड़ेंगे तो दो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा कुल। तो देखिए CP1 प्लस CP2 का कुल 3,000 आएगा, और SP1 और SP2 को जोड़ के अगर निकालेंगे तो 3,000 आएगा, तभी क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा कि कोई लाभ भी नहीं हो रहा है और कोई हानि भी नहीं हो रहा है, समझे बात को। तो आइए क्वेश्चन को देख के आराम से बनाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए दो क्वेश्चन लेते हैं, चलिए लिखते हैं, आप लोग नहीं लिखिएगा, आप लोग शॉर्ट में हो जाएगा केस 1, और इधर लेते हैं केस 2, फिर आपको शायद दिखेगा नहीं क्योंकि इधर मेरा मुंडी है इसीलिए। तो देखिए केस 1 में क्या कह रहा है कि लाभ और एक में हानि हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक CP1 जो है इसको मान लेते हैं x, और CP2 है इसको 3,000 -x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक को सीपी को 1 मान लेते हैं, CP1 को हम लोग 1x मान लिए, और CP2 है इसको मान लिया हम लोग कितना, 3,000 -x। क्यों क्यों माने, देखिए कुल हमारा 3,000 दिया हुआ, अगर एक का अगर CP1 का वैल्यू अगर x है तो 3,000 से अगर घटा देंगे x को तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा CP, तो यही दो CP और 3,000 -CP यही दोनों को हमको निकालना है, इसीलिए हम मान के किए। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में आपको बताएंगे, अपने पेज ले लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में जो हमारा था,
केस वन केस टू करके हम करते हैं, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे केस वन, इसको एक्स माने थे सीपी वन को, इसको एक्स माइनस 3000 माने थे ना, सॉरी उल्टा कर दे रहे हैं, 3000 माइनस एक्स माने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लाभ हो रहा था ये 15% जो लाभ हो रहा था, ये लाभ हो रहा था, और ये इसमें जो है 10% जो है हानि हो रहा था, ठीक है। तो आपको एक चीज बताइए, हम आपको परसेंटेज मेथड में निकालने बोले हैं, अब आपको ये नहीं पूछेगा कि परसेंटेज मेथड क्या था। देखिए अगर हम यहाँ पे बोले कि एस पी वन का वैल्यू निकालिए, ये तो सी पी वन है ना, ये सी पी टू है, ये सी पी टू है, अगर हम बोले एस पी वन इधर और इधर एस पी टू निकालिए, तो अब इसलिए आप निकाल सकते हैं परसेंटेज मेथड पे। कैसे? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 100% सीपी को 100% मानते हैं, 100% अगर आपका दिया हुआ कितना एक्स दिया हुआ, 100% का वैल्यू एक्स दिया हुआ क्योंकि हम सीपी वन माने हैं, तो क्या हो जाएगा फिर इसमें कितना परसेंट ऐड हो रहा है, देखिए 15%। अब क्वेश्चन को बना रहे हैं हम, ठीक है, तो 115%, 115% को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स बोले थे ये नीचे आ जाएगा, कल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और गुना हो जाएगा 115। इसको थोड़ा काटते हैं, इसको अगर हम 5 से काटे तो 23 हो जाएगा, इसको अगर 5 से काटे तो 20 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है एस पी वन निकल गया, कितना निकल गया, 23x/20 ये निकल गया। इसी प्रकार केस टू को निकालेंगे, तो केस टू को निकालने के डायरेक्टली हम लोग कर देंगे जिस प्रकार इसे की इधर भी कर दीजिएगा, कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग सीपी यहाँ पे 3000 - x/100 लिखेंगे और गुना कर देंगे कितना से, कि ये घट रहा है तो इसलिए 90 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, तो 1010 खा गया, ठीक है ना, जो भी 1010 खा गया आराम से खत्म हो गया, तो यहाँ 90 इतना बच गया, यहाँ इतना बच गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ 23 आ गया, यहाँ पे इतना आ गया ना, चलिए अब इसको लिखते हैं। अब हम लोग एस पी वन प्लस एस पी टू को लिख सकते हैं ना, एस पी वन लिख सकते हैं हम लोग सी पी वन प्लस सी पी टू, तब ना कोई लाभ होगा ना तो कोई हानि होगा, मतलब जितना भी कॉस्ट प्राइस था उतना ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा टोटल पूरे माल का, तब ना हमको कोई लाभ ना तो कोई हानि मिलेगा। तो एस पी वन का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, 23x/20 प्लस एस पी टू का वैल्यू कितना दिया है, 3000 - x/ यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, और ये बराबर सीपी टोटल कितना दिया हुआ है 3000, क्योंकि क्वेश्चन देखिए सीपी बराबर टोटल 3000 दिया हुआ, टोटल सीपी आप लिखेंगे 3000 यहाँ पे, इसके साथ को क्या था 9 था, 9 छूट गया, यहाँ पे 9 लिख देंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन का मोड हम लोग का चेंज हो गया, अब इसका एलसीएम लेंगे या फिर इसको भी 200 गुना करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसको 18 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 18/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस हम लोग हर जो है समान कर लिए, और इस 20 को इधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा। देखिए इसको क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा समझिए, इसको मिटा दे रहे हैं पहले, मिटा दे रहे, आप लोग नोट कर रहे होंगे, आई होप आप लोग नोट नोट कर रहे होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इतना 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 हुआ, ठीक है, 20 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60000 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 23x+ कितना हो जाएगा, इधर 18 है तो 18 3 54, 54000+ आपका इधर हो जाएगा 18x, क्योंकि ये इसके साथ एक्स ना हो रहा है इसलिए, और ये 3020 से इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60000 हो जाएगा, इधर 60000 हो जाएगा, अब इस 54000 को इधर लेके जाएंगे तो घटेगा, ये दोनों माइनस प्लस है तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x, और इधर लेके जाएंगे तो ये 54000 है, ये 60000 है, घट के कितना हो जाएगा 6000, तो 6000 हो जाएगा, ठीक है 6000। इस प्रकार इसको कटेंगे तो 12 5 7 यानी 1200, तो हम लोग का एक्स निकल गया 1200, ठीक है, एक्स 12 निकल गया, यही था क्या हमारा सी पी वन, यानी सी पी वन हमारा 1200 निकल गया, बात समझे। अब देखिए इधर क्वेश्चन, सी पी वन हमारा 12 निकल गया, 1200, तो देखिए सी पी टू कितना निकलेगा, 3000 - x करेंगे तो 3000 से माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा सी पी टू हमारा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1800, अगर पहला वाला 1200 है तो दूसरा वाला 1800 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा टफ वाला लिया था मैं क्वेश्चन, ताकि दोनों केस को मिला के आपको समझा सको, इतना समझाने में टाइम गया, जब आप बनाओगे तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, इतना जान लो, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया कि टोटल सीपी कितना 3000 दिया था, एक में लाभ हो रहा 15 और एक में लॉस हो रहा है 10, और कुल में बोल रहा है कुछ लाभ ना हानि कुछ नहीं हो रहा है,
यानी कि सीपी टोटल, जो टोटल सीपी होता है वो टोटल एसपी के बराबर हो जाएगा, है ना। और उस प्रकार हम लोग एक एक का निकाल लेंगे सीपी, और मान लेंगे सीपी, और उसके बाद एक एक का एसपी निकाल लेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके यहाँ पे पुट करके वैल्यूज निकाल लेंगे। बहुत सिंपल था, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे आसानी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी बेस पे लिया गया है लेकिन उससे थोड़ा सा हल्का है, आराम से ये तुरंत हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 120 रुपया, जब प्रत्येक का वैल्यू दे देगा तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रत्येक का मतलब अगर बोलूं कि CP1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखो कितना दिया हुआ है, 120, और इस प्रकार CP2 का भी वैल्यू दिया हुआ है 120। बोल रहा है क्वेश्चन कि दो वस्तुओं का अलग अलग प्राइस है 120 करके, इनमें से प्रत्येक को वो 10 पर हानि में खरीदा है, मतलब एक को 10% जो है लॉस पे खरीद रहा है ना, पहले वाला हानि, और दूसरा वाला लाभ में, और दूसरा वाला को 10% जो है लाभ में बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है तो लाभ में बेच, इस प्रकार बताए कि दोनों वस्तुओं को वो कितने में बेचेगी, मतलब SP1 प्लस SP2 यहाँ पे निकालने बोल रहा है, मतलब कुल कुल सेलिंग प्राइस कितना है ये निकालने बोल रहा है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो बना लीजिएगा। अब हम लोग परसेंटेज मेथड को यूटिलाइज करके डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, इसका डायरेक्ट SP1 अगर निकालने चाहिए तो क्या होगा, डायरेक्ट देखिए कितना होगा, डायरेक्ट 120 लिखेंगे बटा 100, और गुना यहाँ पे 10% लॉस हो रहा तो इसलिए 90 लिखेंगे, एक केस हो गया। और दूसरा केस में क्या लिखेंगे, 120 बटा देखिए यहाँ पे 100 करेंगे और गुना यहाँ पे 110 कर देंगे, 10 जुट जाएगा, ठीक है। अब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। अब 12 में कितना होता है, 108, और इधर हो जाएगा आपका कितना, 12 इतना मतलब 132 हो जा रहा है। देखिए इधर CP1 108 और ये 32, यानी दोनों जुड़ के 240 रुपया हो जा रहा था टोटल SP जो है सेलिंग प्राइस वो 240, देखिए ऑप्शन आ गया है ना। तो ये कैसे निकाले, क्योंकि हम आपको बताए थे, मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये अभी हमने बताया है कि कैसे परसेंटेज मेथड पे निकाल रहे हैं। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे CP दिया हुआ है, मतलब 100% का मान हमारा दिया हुआ कितना, 120, समझ लीजिए, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसमें हानि हो रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, इसमें 10% माइनस हो जाएगा, तो 90% का जो वैल्यू आएगा वही हमारा SP होगा, 120 ये नीचे आएगा 100 और ये 90, तो इस प्रकार ये वैल्यू तो हम लिखे यहाँ पे, बाद में ये नहीं कहना कि ये कैसे लिख दिए सब, ठीक है, क्योंकि शुरुआत से यही सिर्फ बता रहे हैं, दूसरे वीडियो देखिएगा समझ में आइएगा, अचानक देखिएगा समझ में नहीं पाएगा, तो Part 1 से स्टार्ट कीजिए, अभी क्लासेस स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, और अच्छी तरह से और बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। और जो कैंडिडेट नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऐप को आप जरूर डाउनलोड कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और वहाँ पे जितने भी शेड्यूल्स हैं, कौन कौन से क्लास चल रहे हैं, कौन कौन से नहीं, ये MCQ मैथमेटिक्स का भी चल रहा है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक ANM JNM पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल 1 साल वाला कोर्स के लिए, तो ज्वाइन कर लीजिए और देखते रहिए, देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।